तो फर्स्ट आई विल डिस्कस सेलेक्शन ऑफ प्रिफर्ड साइजेस ठीक है दिस आल्सो कॉल्ड कॉल प्रिफर्ड नंबर ठीक है तो होता क्या है कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें किसी एक ही प्रोडक्ट के कई सारे मॉडल जो है मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं जैसे बाइक है आपने देखा बाइक है वो अलग अलग कैपेसिटी की आती है ठीक है कोई नाइन्टी एट सी सी की आती है वन वन टेन सी सी की भी आती है वन ट्वेंटी फाइव सी सी की आती है यहाँ वन फिफ्टी की आती है जैसे बजाज पल्सर वगैरह है वो ग्रेटर देन वन फिफ्टी इंजन की आती है तो बाइक आप देखते हैं अलग अलग रेंज की आती हैं ऐसे मोटर भी होता है वो अलग अलग रेंज का आता है अलग अलग कैपेसिटी का आता है दस किलो वाट का मोटर है फाइव किलो वाट का दो किलो वाट का घरेलू यूज के लिए हो गया बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल पर्पज के हम जो यूज करते हैं बीस किलो वाट पचास किलो वाट एक्सेट्रा तो कई रेंज के आ, आ, मोटर भी आते हैं यानी एक ही प्रोडक्ट की कई सारी वेराइटीज़ जो हैं कई सारे स्पेसिफिकेशन जो हैं एक कंपनी को निकालने पड़ते हैं मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं तो किस कैपेसिटी का मैन्युफैक्चर करे ठीक है वो कैपेसिटी कैसे डिसाइड करे दिस टॉपिक इज़ हेल्पफुल फॉर डिसाइडिंग द मैन्युफैक्चरर मतलब उस कंपनी को डिसाइड करने में ये टॉपिक हेल्पफुल है ठीक है तो देखें देखते हैं इसे स्टार्ट करते हैं इन इंजीनियरिंग डिजाइनर डिजाइनर हैज़ टू स्पेसिफाई Uh, मतलब स्पेसिफिकेशन है स्पेसिफिकेशन जो है किसी भी प्रोडक्ट की उसे मेंशन करनी पड़ती है इट इंक्लूड डिफरेंट पैरामीटर लाइक पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी लोड कैरिंग कैपेसिटी स्पीड डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट वॉल्यूम वेट वेट ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन कहलाते हैं ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी आर मैन्युफैक्चरिंग सेवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर रेंजिंग पॉइंट 5 किलो वॉट टू फिफ्टी किलो वॉट दैट नीड टू सर्व फॉर डिफरेंट कस्टमर अलग अलग नीड के हिसाब से वो बना रहे सो दिस प्रिफर्ड नंबर आर वेरी यूजफुल इज टू स्पेसिफाई द साइजेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस केसेस ठीक है तो ये कुछ भी नहीं है ये आपका सिंपल मैथमेटिक्स है जो जेमेटिक प्रोग्रेशन के जो कंसेप्ट आप लोग एल्जेब्रिक में पढ़ते थे उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने

तो मोस्ट जो कॉमन सीरीज़ होती हैं वो आर फाइव आर टेन और आर ट्वेंटी ही सीरीज़ होती हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रेंज में अगर हमें निकालना है तो हम आर फोर्टी बहुत मतलब कम रेंज में निकालना है तो हम आर फोर्टी और आर टेन सीरीज को यूज़ करें तो जैसे जैसे हम सीरीज़ की नंबर बढ़ाते जाएंगे इसका मतलब हम प्रोडक्शन की रेंज बढ़ा रहे हैं जैसे हम आ, 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 अगर हम सौ से लेकर अगर हम कोई मोटर है आपका पाँच से लेकर पचास कैपेसिटी तक का बना रहे हैं तो अगर एक मैनुफेक्चर अगर आर एट्टी सीरीज यूज कर रहे हैं तो वो मे बी बीस या पच्चीस मॉडल बना देगा और अगर आर फाइव सीरीज यूज़ कर रहे हैं तो पाँच और पचास के बीच में केवल पाँच या छः प्रोडक्ट ही बनाएगा तो जैसे जैसे हम सीरीज का सिलेक्शन लार्ज करते हैं इसका मतलब नंबर ऑफ स्पेसिफिकेशन या नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ द प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं ठीक है तो वो उससे पता भी चल रहा है हम हाँ ये गैप जो है वो कम हो रहा है यहाँ पर था और ये लेटेस्ट टेक फर्स्ट नंबर इज वन तो ये है को 1 कर लो तो वन सेकेंड नंबर सेकेंड एलिमेंट क्या हो गया सीरीज का वन पॉइंट सिक्स थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स इंटू वन पॉइंट सिक्स

तो बस हमें सीरीज़ का फैक्टर पता होना चाहिए उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और ये सीरीज हमें मिलती चली जाएगी ठीक है तो लेटेस्ट टेक एन एन एग्जाम्पल एक मैनुफैक्चर कंपनी है जो लिफ्टिंग टैकल मैन्युफैक्चरिंग कंसिडर द मैनुफेक्चरिंग ऑफ अ लिफ्टिंग टैकल हु वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस नाइन डिफरेंट मॉडल कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम फिफ्टीन किलोमीटर टू हंड्रेड किलोमीटर तो एक कंपनी है वो मतलब कोई लिफ्टिंग कितना लोड लिफ्ट lift, कोई लिफ्टिंग डिवाइस बना रही है जो कि वो क्या जा रही है कि पंद्रह न्यूटन से हंड्रेड न्यूटन की रेंज में वो कुछ प्रोडक्ट निकाले और कितने निकाले नाइन डिफरेंट प्रोडक्ट निकाले तो लेटेस्ट ठीक इसको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा यहाँ तो कुछ हिंट तो दे नहीं रखा है कि कौन सी से सीरीज यूज करे आर फाइव आर टेन मे बी वो आर फाइव सीरीज यूज करेगा तो उसको नौ मॉडल नहीं मिलेंगे ठीक है तो उसने क्या किया आर टेन सीरीज चूज किए

ठीक है तो अब क्योंकि ये कह रहा है पंद्रह न्यूटन से स्टार्ट कर रहा है तो हम सीरीज कहा सोलह बीस पच्चीस हो गए तो ये नौ मॉडल इसने मैनुफेक्चर करे बाई टेकिंग दर्ट एन सीरीज ठीक है तो दिस कंसेप्ट ये मैनुफेक्चर को हमने बता दिया ये वाली सीरीज भैया यूज कर लो इससे तुम्हें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं भैया चालीस की जगह पैंतालीस बना लो क्योंकि कुछ लोग कहेंगे भाई चालीस की जगह पैंतालीस करो थर्टी वन की जगह थर्टी फाइव पर नहीं अपने हिसाब से आप उसे एक एक एक, एक आइडिया आपको लग गया उस हिसाब से आप अलग अलग मॉडल रेंजिंग मॉडल मैन्युफैक्चर कर सकते हो ठीक है तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच मिनिमाइजरी मैन तो जो रैंडम ऑर्डर में हम सिलेक्शन करते हैं उससे उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं डिसएडवांटेज हो सकते हैं वो हमारे इसमें नहीं होते हैं ठीक है तो एक तो ये तो हमारी बेसिक सीरीज हो गई एक टर्म आती है डेराइव सीरीज तो डेराइव सीरीज क्या होती है जैसे हमने आर टेन सीरीज देखी आर टेन सीरीज देखी ठीक है इसमें भी फर्दर इफ आई वांट टू कैल इफ आई वांट टू मेक अ सीरीज आर टेन बाई थ्री और आर ट्वेंटी बाई फोर तो इसका मतलब टेन बाई थ्री थ्री का मतलब हो गया जो आर टेन सीरीज है उसकी एवरी थर्ड टर्म तीसरी टर्म ट्वेंटी बाई फोर का मतलब हो गया आर फोर्टी ट्वेंटी सीरीज का एवरी फोर्थ टर्म यानी आर ट्वेंटी यह आर टेन सीरीज है आर टेन सीरीज है तो आर टेन बाई थ्री सीरीज क्या हो जाएगी इसका तीसरा टर्म तो पहला टर्म हो गया वन तीसरा टर्म क्या हो गया इन दोनों टर्म को छोड़ दिया तो ये हो गया टू ये हो गया टू फिर ये दो टर्म छोड़ दिया फिर थर्ड टर्म कौन सा हो गया फोर एंड सो ऑन इसी तरीके से आर ट्वेंटी बाई फोर अगर मुझे सीरीज निकालनी है तो पहला टर्म हो गया वन ये दो तीन टर्म छोड़ दिया ट्वेंटी बाई फोर फोर्थ मतलब एवरी फोर्थ टर्म तो पहला टर्म हो गया वन चौथा टर्म हो गया 1.60 उसके बाद ये बाकी तीनों टर्म भी छोड़ दिया यहाँ भी जो टर्म आएगा दैट विल बी द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज ठीक है तो ये डिराइव सीरीज अगर डिवाइडेड बाई थ्री है तो एवरी थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई फोर है तो एवरी फोर्थ टर्म ऑफ द बेसिक सीरीज ठीक है तो ये, कुछ खास नहीं है बस इसमें ये बताया गया है यहाँ पर कि अगर कोई सीरीज है अगर आपका मल्टीप्लाई बाई दस से कर दोगे तो वो सीरीज वही रहेगी अगर इस सीरीज में मैंने एलिमेंट पहला एलिमेंट वन की जगह अगर मैं दस ले लूँ तो क्या करूँगा पूरी सीरीज को दस से मल्टीप्लाई कर दूंगा लेकिन कहलाएगी तो वो आर फाइव सीरीज ऐसे ही आर ट्वेंटी वाली सीरीज में अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई कर दू दस से तो कहलाएगी तो आर ट्वेंटी सीरीज बस मैंने दस से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ भी रेशियो फैक्टर वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होगा रेशियो फैक्टर वही रहेगा ठीक है, आउट द आर टेन बाई थ्री तो ये मैंने बता दिया वन टू फोर टर्म छोड़ दिए टू ये दो टर्म छोड़ दिए so तो ये हो गए ये क्वेश्चन हो गया ट्वेंटी बाई फोर सीरीज आपको निकालनी है तो ट्वेंटी बाई फोर सीरीज में हंड्रेड 100 से थाउजेंड तक निकालनी है ठीक है क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ आर ट्वेंटी बाई फोर हंड्रेड थाउजेंड डिराइव सीरीज तो पहले तो आर फोर्टी जो हमारी बेसिक सीरीज है इसमें आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो इसमें आपने हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके ये ये आपका पूरी सीरीज आ गई ठीक है तो कैसे सीरीज निकलेगी आर फोर्टी टर्म का जो फैक्टर है हमारा रेशियो फैक्टर है वन पॉइंट जीरो सिक्स है तो किसी भी एलिमेंट को आप देखोगे टू, टू फिफ्टी 1.06 will be नहीं sorry और 20 series का factor क्या है 1.12 1.12 तो आप randomly आप check कर सकते हो टू फोर टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन टू इज इगल टू टू एट्टी एंड टू एट्टी इन टू वन पॉइंट वन टू इज इगल टू अप्रोक्सीमेटली थ्री नॉट फाइव एंड सो ऑन तो ये सीरीज आपको मिल जाएगी बाई मल्टीप्लाइंग रेशियो फैक्टर और डायरेट इफ इट इज डायरेक्टली अवेलेबल टू द बुक और डिजाइन डाटा बुक तो ये डायरेक्टली हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके हर फोर्टी सीरीज आप ट्वेंटी सीरीज आपको मिल जाएगी ठीक है अब ट्वेंटी बाई फोर यानी डराइव सीरीज आपको करनी है तो इसका एवरी फोर्थ टर्म ले लो पहला टर्म दो टर्म छोड़ दो नहीं सॉरी तीन टर्म छोड़ दो चौथा टर्म हो गया वन सिक्सटी फिर तीन टर्म छोड़ दो फिर टू फिफ्टी फिर तीन टर्म छोड़ दो फिर टू हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड सो ऑन हंड्रेड वन सिक्सटी टू फिफ्टी फोर फोर हंड्रेड एंड सो ऑन ठीक है तो ये तो हो गया पहला मेथड ये तो पहला मेथड हो गया सीधा आप डाटा बुक्स से या बुक से देख लो सीरीज आपको मिल गई आपने चौथा टर्म ले लिया दूसरा मेथड होता है व्हाट इज 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 द रेशियो रेशियो फैक्टर फैक्टर ऑफ ऑफ सीरीज ठीक है कैलकुलेटेड की पावर वन वाई ट्वेंटी नो वट इज सॉरी ये ऊपर वाला सीरीज फैक्टर हो गया और अच्छा बेसिक सीरीज की अगर हम बात करेंगे अगर हम बेसिक सीरीज की बात करें तो हेयर सीरीज फैक्टर इज इक्वल टू रेशियो फैक्टर सीरीज फैक्टर और रेशियो फैक्टर एक ही है ठीक है तो अभी तक हम रेशियो फैक्टर की बात कर रहे थे क्योंकि ये डिराइव सीरीज है तो यहाँ पर सीरीज फैक्टर की भी बात कर रहे हैं ठीक है तो ये हो गया हमारा सीरीज फैक्टर ऑफ द आर ट्वेंटी टेन की पावर वन वाई ट्वेंटी वन पॉइंट वन टू टू और रेशियो फैक्टर हो जाएगा को 1.22 को 1.122 की पावर फोर ये हो जाएगा रेशियो फैक्टर एलिमेंट ले लो 100 पहला एलिमेंट हो गया 100 दूसरा एलिमेंट हो गया 100.58 तीसरा एलिमेंट हो गया 100 इंटू वन का स्क्वायर चौथा एलिमेंट हो गया 100 इंटू वन का क्यूब एंड सो ठीक है तो देखो यहां पर कैसे किया है थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट फिफ्थ एलिमेंट एंड सो ऑन तो जब इसको आप देखोगे तो यू विल गेट गेटी फोर हंड्रेड सिक्स तो दोनों ही मेथड है चाहे मेथड वन से आप निकाल लो और ट्वेंटी बाई फोर सीरीज चाहे मेथड टू से निकाल लो ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज रिक्वायर्ड टू स्टैंडर्डाइज स्टैंड शेफ्ट From 100 to 1000 mm diameter, specify their diameter. Uh, तो एक तो ये हो गया मतलब अभी हम सीरीज की बात कर रहे थे तो अगर आप सीरीज की बात नहीं सिंपल मैथमेटिक्स अगर निकालना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर सीरीज में सिलेक्शन कौन सा करना है अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो सिंपल मैथमेटिक्स में हम जीपी का कॉन्सेप्ट जीमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही अगर कॉन्सेप्ट यूज करें तो वी कैन यूज तो पहला टर्म तो हो गया हमारा हंड्रेड तो पहला टर्म हो गया हंड्रेड तो दूसरा टर्म हंड्रेड इंटू फाइव हंड्रेड इंटू फाइव स्क्वायर एंड जो लास्ट टर्म हो गया सीरीज का हंड्रेड इंटू फाइव की पावर टेन इट इज रिक्वायर्ड टू क्योंकि हमें इलेवन शेफ्ट निकालनी है हमें सौ से हमें सौ 100 से वन थाउजेंड एम एम के बीच में मतलब टोटल जो है हमें इलेवन शेफ्ट निकालनी है तो पहली टर्म तो हो गई हंड्रेड और लास्ट टर्म हो गई हमारी मतलब पहली शेफ्ट हो गई हमारी हंड्रेड एम एम की और इलेवेंथ शिफ्ट हो गई हमारी वन थाउजेंड एम एम की ठीक है तो यहां पर एक कम आएगा जो इलेवन अगर चाहिए पहले टर्म में तो फाइव जीरो आया जीरो से स्टार्ट हुआ ध्यान से देखो पहली टर्म तो जीरो से स्टार्ट होगी जीरो वन टू अपू टेन इलेवेन शेफ्ट निकाल रही है तो लास्ट वाली टर्म होगी उसमें एक माइनस आएगा एक कम आएगा ठीक है तो हंड्रेड इंटू फाइव के पावर टेन इज गन थाउजेंड तो रेशियो फैक्टर कितना हो जाएगा टेन इंटू वन बाई टेन तो आर टेन सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हमें सीरीज में दिक्कत हो रही है कौन सी सीरीज हम चूज करें कि वो ग्यारह आ जाए तो हम इस तरीके से हम जी का जी का कॉन्सेप्ट यूज करके ये सीरीज हो गया मे बी इसका फैक्टर ये थ्री पॉइंट वन पॉइंट थ्री टू आता है या वन पॉइंट फोर एट आता है जो कोई बेसिक सीरीज नहीं होती तो भी कोई फर्क नहीं था हमारा आंसर तो भी हो जाता हम उसको मल्टीप्लाई करते चले जाते वही से हमारी सीरीज आ जाती लेकिन यहाँ इतफाक से आर टेन सीरीज आ गई तो वन पॉइंट टू सिक्स से हम मल्टीप्लाई करते चले गए वन पॉइंट टू सिक्स को मतलब अगर आर टेन स्टैंडर्ड मिल गई है तो उसमें वन पॉइंट टू फाइव अप्रोक्सीमेट करते हैं हम आर टेन आर टेन सीरीज में वन पॉइंट टू फाइव ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट तो ये हो गया हमारा हंड्रेड ट्वेंटी फाइव वन सिक्सटी टू हंड्रेड टू फिफ्टी थ्री वन फाइव फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स थर्टी एट हंड्रेड एंड एलेवेन तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह टोटल ग्यारह शेफ्ट हमने बना ली और किस किस डायमेंशन की बनाई ये हमें इस सीरीज से पता चल और टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन मैनुफैक्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग अ बिजनेस विद फाइव डिफरेंट मॉडल ऑफ द ट्रैक्टर रेंजिंग फ्रॉम सेवन पॉइंट फाइव टू सेवेंटी फाइव किलोवॉट तो सेवन पॉइंट फाइव से लेकर सेवेंटी फाइव के बीच में वो पांच मॉडल बनाना चाह रहा है ठीक है दीज आर एक्सपेंशन प्लान फर्दर इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉडल फॉर्म फाइव टू हंड तो पहले पहले तो उसने पहले पाँच मॉडल बनाए फिर बाद में कुछ टाइम बाद सोचा कि पाँच की जगह मैं ग्यारह मॉडल बनाऊंगा तो ज़्यादा कस्टमर खींच पाऊंगा ठीक है तो पहले पाँच मॉडल बनाए हैं तो देख लेते हैं केस वन बन। केज वन में पाँच मॉडल हैं तो फाइव फाइव की पावर जीरो फाइव की पावर वन फाइव की पावर टू फाइव की पावर थ्री और फाइव की पावर फोर ये पाँच कैपेसिटी हो गई ये सीरीज जो है ये पाँच मॉडल में बना दी मतलब सेवन पॉइंट फाइव इंटू फाइव की पावर फोर इजिकल टू सेवेंटी फाइव तो यहाँ से फाइव की वैल्यू आ गई और जब फाइव की वैल्यू आ गई तो इससे मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म आ जाएगी तो अब आंसर में थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर देंगे थर्टीन पहला टर्म पहली कैपेसिटी हो गई मोटर की सेवन पॉइंट फाइव किलो वार्ट फिर थर्टीन किलो वार्ट ट्वेंटी फोर फोर्टी टू एंड सेवनटी फाइव किलो वार्ट ठीक है तो ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है इस तरीके से हम सीरीज को मान लेंगे सेकंड वो कह रहा है कि अगर नाइन मॉडल बनाने हैं तो बिल्कुल सिंपल है नाइन मॉडल बनाने तो सेवन पॉइंट फाइव की पावर एट क्योंकि एक माइनस करते हैं एक माइनस करते हैं इज इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है लास्ट टर्म हमारी क्वेश्चन में क्या है सेवनटी फाइव तो इट विल बी इक्वल टू सेवेंटी फाइव तो फाइव की वैल्यू आ गई वन पॉइंट थ्री थ्री फाइव तो पहली टर्म हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी सेवन पॉइंट फाइव सेकेंड टर्म फाइव के पावर जीरो फाइव स्क्वायर फाइव क्यू फाइव के पावर फोर तो अप्रोक्सीमेट करते हुए दस तेरह अठारह, चौबीस बत्तीस बयालीस छप्पन एंड सेवेंटी फाइव ठीक है तो एडिशनल मॉडल कौन कौन से हुए इसको आप इस आंसर को आप कंपेयर करो इन मॉडल को कंपेयर करो विद द केस वन केस वन के मॉडल से आप कंपेयर करो ठीक है सेवेंटी फाइव तो एडिशनल मॉडल कौन कौन से तेरह के

that is calculated by uh, when we uh, solve the case one and two. ठीक है Now next topic is standard designation of material. तो पहले तो हमें knowledge होनी चाहिए कि material होते कौन कौन से हैं तो सबसे common material होता है steel and cast iron. तो so, let's start for cast iron. Cast iron can be divided into three. तीन तरीके के होते हैं ग्रे मेलेबल एंड डक्टाइल ठीक है तो ग्रे कास्ट आयरन का जो डेजिग्नेशन होता है वो जनरली एफ जी टू हंड्रेड आपने न्यूमेरिकल में भी देखा होगा एफ जी टू हंड्रेड लिखा होगा अगर इसमें एस यू टी नहीं दे रखा है एफ जी टू हंड्रेड कहीं भी दे रखा है इसका मतलब ये है कि दिस इज अ ग्रे कास्ट आयरन विद एन अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ तो ट्वेंटी मेगा पासकर अगर वाइट कास्ट आयरन है वाइट कास्ट आयरन जो है एक तरीके से मेलेविल कास्ट आयरन होता है मेलेविल कास्ट आयरन को जो है वो पहले वाइट कास्ट आयरन में कन्वर्ट करते हैं देन इट इज कन्वर्टेड इनटू टू मेलेविल कास्ट आयरन ठीक है तो व्हाइट कास्ट आयरन और मेलेबल कास्ट आयरन एक ही होता है ब्लैक हर्ट ये तीन तरीके है ब्लैक हर्ट परलाइट एंड वाइट हर्ट तो अगर बी एम थ्री फिफ्टी लिखा है तो बी एम मतलब ब्लैक हर्ट व्हाइट कास्ट आयरन है बी एम सिक्स हंड्रेड लिखा है इसका मतलब ये परलाइट टाइप का मेलेबल कास्ट आयरन है और डब्ल्यू एम अगर फोर हंड्रेड लिखा है तो ये व्हाइट हर्ट मेलेबल कास्ट आयरन है और बाकी मैंने बताया दिया थ्री फिफ्टी का मतलब क्या है इट हैज

थर्ड टाइप कास्टायर हो गया हमारा या डट्टाइल तो डट्टल कास्टायर है तो इसका मतलब कुछ एलोंगेशन हो रहा है इसमें ठीक है कुछ एलोंगेशन हो रहा है तो बस यहाँ पर डेजिग्नेशन में इसका इतना डिफरेंस हो जाता है डिवाइडेड बाई टू ये ऑब्लिक टू करके दिखा देते हैं इसका मतलब ये है कि ये एक एस का मतलब न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एंड मिनिमम एलोंगेशन इज टू परसेंट तो ये दो जो डिनोट कर रहा है वो एलोंगेशन को डिनोट कर रहा है कि इसमें कम से कम दो परसेंट का एलोंगेशन तो हो रहा है ठीक है नाउ बीआईएस आई डेजिग्नेशन ऑफ सिस्टम ऑफ डेजिग्नेशन स्टील तो स्टील भी देखो बहुत तरीके की होती है प्लेन कार्बन स्टील होती है एलॉय स्टील होती है कटिंग स्टील होती है ठीक है हाई हाई स्पीड स्टील होती है चेस होती है बहुत तरीके की स्टील होती है तो हर तरीके के स्टील के डेजिग्नेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका एग्जाम में आता है और कम से कम दो से छ नंबर का आ सकता है ये टॉपिक ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखते हैं इसे अगर एफ ई लिखा है इसका मतलब इट हैज मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 360 अगर एफ ई लिखा है मतलब मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है मतलब टू फिफ्टी न्यूटन पर एम एम स्क्र तो ये तो सिंपल डेजिग्नेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ बट व्हेन वी डू द द डेजिग्नेशन ऑन बेसिस ऑफ कंपोजिशन तो कंपोजिशन एंड कार्बन कंटेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट मतलब डेजिग्नेशन में कार्बन कंटेंट भी आ जाए और उसका एक लमसम में एलोइंग uh, एलिमेंट का क्या कंपोजिशन है वो भी हमें पता चल जाता है सी द डेजिग्नेशन ऑफ द स्टील फॉर एग्जाम्पल आपने कई सारे न्यूमेरिकल में देखा होगा फिफ्टी सी एट फोर्टी सी एट है ना इस तरीके से दे रखा है तो मैंने बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हो सकता है कि इसकी सिग्मा वाई टी और सिग्मा यू टी की वैल्यू वो ना दे न्यूमेरिकल में अगर नहीं दे रखा है तो यू कैन सी फ्रॉम द डिजाइन डाटा बुक डिजाइन डाटा बुक में आप सीधे सीधे इसकी एस यू टी और एस वाई टी देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर पहला केस लेते हैं हम स्टील का प्लेन कार्बन स्टील तो प्लेन कार्बन स्टील मतलब कार्बन ही होता है उसमें और ज्यादा कोई बहुत ज्यादा एलोइंग एलिमेंट नहीं होता है केवल थोड़ा सा मैगनी मैगनीस पाया जाता है कुछ अमाउंट में तो देखो फिफ्टी सी फोर का मतलब क्या है जो पहला एलिमेंट है उसको डिवाइड कर दिया हमने हंड्रेड से जो दूसरा एलिमेंट है फोर उसको हमने डिवाइड कर दिया टेन से ये कितना है पॉइंट फाइव फाइव इसका मतलब इसमें कार्बन कितना है पॉइंट फाइव फाइव फोर बाई टेन कितना है पॉइंट फोर इसका मतलब इसमें मैगनीस कितना है 0.4 परसेंट ठीक है तो इसका मतलब इट इंडिकेट कार्बन 10 टाइम एवरेज परसेंटेज ऑफ मैग्नीज यानी 10 से डिवाइड कर देंगे 110 टेन एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन ठीक है तो ये देखो इसका क्या मतलब है हम कार्बन कितना है 0.55 परसेंट तो 0.55 परसेंट कह लो या हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट से पॉइंट कार्बन है अगर मैगनीज आ रहा है पॉइंट तो हम ये भी लिख सकते हैं पॉइंट थ्री से पॉइंट मैगनीस वेरी कर रहे हैं। तो या तो हम आंसर इस तरीके से लिख दें या इस तरीके से लिख दें दोनों ही करेक्ट हैं बोथ आर करेक्ट तो ये, ये ज़्यादा प्रेफरेबल है वह एग्जाम में इस तरीके से लिख दो सॉरी ये ज्यादा प्रेफरेबल है एग्जाम में सिंपल लिख दो इट मीनस क्वेश्चन इस तरीके से है वट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्टील फिफ्टी फाइव सी फोर या व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द 55 सी इस तरीके से नोमेरिकल आता है तो सीधा सीधा लिख दो इट हैज 0.55 परसेंट कार्बन एंड 0.4 फोर परसेंट मैगनीज इस तरीके से फोर्टी सी क्या हो जाएगा 0.4 परसेंट कार्बन एंड 0.8 एट परसेंट मैगनीज नो सेकेंड इज सेकंड केस हो गया ये पहला केस था प्लेन कार्बन स्टील का सेकेंड केस हो गया डेजिग्नेशन ऑफ द अनएलॉयड फ्री कटिंग स्टील मतलब एलॉयोग नहीं है इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा एलॉय एलिमेंट नहीं है फ्री कटिंग स्टील फ्री कटिंग स्टील में दो एलिमेंट मेन होते हैं एक तो होता है सल्फर ठीक है सल्फर के अलावा भी लेड भी हो सकता है मतलब दो तीन एलिमेंट होते हैं बहुत ज्यादा एलिमेंट इसमें नहीं होते हैं जो मेन एलिमेंट होता है वो मैगनीज होता है ठीक है तो ट्वेंटी फाइव सी ट्वेल्व एस फोर्टीन का मतलब ये हो गया ट्वेंटी फाइव को तो हंड्रेड से ही डिवाइड करेंगे सी का मतलब कार्बन तो कार्बन की परसेंटेज सी से पहले लिखी जाती है यहाँ भी देखो आप सी से पहले लिखी जा रही है ठीक है ट्वेंटी फाइव फाइव को तो हंड्रेड से डिवाइड करेंगे इसको हम टेन से डिवाइड करेंगे और इसको फिर से हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो इसको याद रखना पड़ेगा किसको हंड्रेड से करना है किसको टेन से करना है ये डेजिग्नेशन के स्टैंडर्ड हैं और ये हमने नहीं बनाए हैं ये बी ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बनाए हैं तो इसको आपको याद करना पड़ेगा

Uh, ये जो परसेंटेज होती है वो मैगनीज के ये आपको याद करना पड़ेगा नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन ऑफ एल आई स्टील थर्ड केस इज डेजिग्नेशन ऑफ एल आई स्टील तो इसके लिए ये टेबल है मे बी अवेलेबल इन बुक्स और डिजाइन बुक ये टेबल आपको यहाँ तो याद करनी पड़ेगी यहाँ आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस अगर चार पांच क्वेश्चन करोगे तो आपको याद हो जाएगा ठीक है तो लेट अस सी आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा टेल मी द कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग स्टील ट्वेंटी फाइव सी आर फोर एमओ टू तो यहाँ पर सी तो लिखा नहीं है कहीं कार्बन लिखा नहीं है लेकिन पहला एलिमेंट हमेशा कार्बन को ही दिखाता है यानी पहला जो न्यूमरिक नंबर है वो हमेशा कार्बन की परसेंटेज को दिखाता है तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड यानी पॉइंट टू फाइव परसेंट तो हो गया कार्बन ठीक है अच्छा इसमें दो चीजें होती हैं सिल्कन सिल्कन और मैगनीज ठीक है इसको नेगलेक्ट कर देते हैं सिल्कन और मैगनीज को नेगेलेक्ट कर देते हैं याद कर लो आप इसमें इसका कम्पोजिशन हम नेगलेक्ट कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप कभी भी यहाँ पर आप ऐसा ही नहीं देखोगे यहां कहीं पर एम एन नहीं देखोगे जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा तो यहाँ देख लेते हैं डिवाइडेड बाई हंड्रेड किया पॉइंट टू फाइव परसेंट कार्बन हो गया क्रोमियम का कितना परसेंटेज है तो क्रोमियम के आगे क्या लिखा है फोर तो यहाँ पर देखो क्रोमियम कहा लाई कर रहा है इस टेबल में देखो आप क्रोमियम कहाँ आ रहा है इस टेबल में

पॉइंट टू परसेंट मोलिविडन हो गया ठीक है इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर देखो 40 को डिवाइड किया हमने 100 से तो ये हो गया पॉइंट फोर uh, को डिवाइड किया हंड्रेड से तो ये कार्बन का परसेंटेज आ गया निकिल अब निकिल देखो इस सीरीज में कहा जा रहा है ये आ रहा है निकिल निकिल को मल्टीप्लाई फैक्टर है फोर है तो एट बाई फोर कर दिया दो परसेंट निकिल आ गया क्रोमियम क्रोमियम कहा आ रहा है या पहली सीरीज में आ रहा है ये तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है फोर तो एट बाई फोर किया टू परसेंट क्रोमियम हो गया वेनेडियम 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 किस सीरीज में आ रहा है वेनेडियम आपका फॉल कर रहा है वेनेडियम फॉल कर रहा है यहाँ पर सेकंड सीरीज में तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कितना टेन तो यहाँ पर टू बाई कर दिया पॉइंट टू हो गया तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं ठीक है ये क्वेश्चन कि राइट द कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग एलोई स्टील इसका कंपोजिशन लिखने को एग्जाम में आता है ठीक है लास्ट ईयर के पेपर आप देखना दिस इज इम्पोर्टेंट ठीक है तो बस आपको ये टेबल याद रखनी है उससे मल्टीपल फैक्टर आ जाएगा किस एलोइंग एलिमेंट का क्योंकि तो इतने सारे अलाइंग एलिमेंट हैं तभी तो इस स्टील को हम स्टील uh, कह रहे हैं यानी इस जिस स्टील में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं ठीक है तो एलाव स्टील हो गई तो हर एलो एलिमेंट का अलग अलग पर्प होता है ये आपने पढ़ रखा है material science में तो आपको कंपोजिशन दे रखा है आपको डेजिग्नेशन निकालना है इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है ठीक है तो, तो कार्बन जो वेरी कर रही है पॉइंट वन टू से पॉइंट वन एट तो इसका मतलब कार्बन की परसेंटेज अगर हम इसका एवरेज निकालें तो कितना हो जाएगा पॉइंट परसेंटेज एंड मैग्नीस तो मैंने बताया सिल्कन और मैग्नीस को नेगलेक्ट कर देते हैं इसका परसेंटेज देखो है भी बहुत कम और ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है मतलब तो इस इसके होने ना होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया तो हम क्रोमियम है क्रोमियम को निकालने में इंटरेस्टेड है तो क्रोमियम का मल्टीप्लाइन फैक्टर कितना था 4, इसको बाद में देखते हैं तो इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया तो क्रोमियम इसका एवरेज कितना आ गया पॉइंट से एट तक वेरी कर रहा है तो एवरेज कितना हो गया? का तो हमें हमें पता ही है तो इसका टोटल डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा कार्बन फिफ्टीन सी और क्रोमियम कितना हो जाएगा पॉइंट सिक्स फाइव तो पॉइंट सिक्स फाइव क्रोमियम कहा आ रहा है देखो ऊपर टेबल में क्रोमियम आ रहा है हमारा पहले नंबर पे तो पॉइंट सिक्स फाइव इंटू फोर अप्रोक्सीमेट तो ये आएगा करीब पांचों करी, के करीब आएगा टू पॉइंट सिक्स तो अप्रोक्सीमेटली तीन कर देंगे ठीक है तो फिफ्टीन सी सी आर थ्री तो ये डेजिग्नेशन हो गया इसका फिफ्टीन सी आर थ्री ठीक है टू so पॉइंट uh, क्योंकि पॉइंट्स में आप देख लो अभी तक तो जितने भी हमने क्वेश्चन करें पहले भी करे यहाँ पर कहीं भी पॉइंट में नहीं है तो पॉइंट को हमें अप्रोक्सीमेट करना है तो टू पॉइंट सिक्स है अगर टू पॉइंट टू आता अगर two two आता, तो हम टू कर देते 2.6 टू पॉइंट सिक्स इज क्लोज टू द इंटीजर नंबर थ्री ठीक है तो वो नेचुरल नंबर थ्री के क्लोज है तो हमने टू पॉइंट सिक्स का थ्री कर दिया तो यू कैन सी इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया पॉइंट सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेट कर दिया थ्री तो डेजिग्नेशन इज थ्री नो कैलकुलेट द डेजिग्नेशन फॉर दिस ये कर लो क्या आप अपने आप इसको देखो पॉइंट वन टू से पॉइंट टू परसेंट है यानी पॉइंट वन सिक्स परसेंट हो गया कार्बन तो यहाँ पर आ गया सिक्सटीन सिल्कन और मैगनीज को नेगलेक्ट कर दिया निकिल की परसेंटेज है पॉइंट एट तो पॉइंट एट इंटू फोर निकिल और क्रोमियम तो अब देखो निकिल और क्रोमियम का फैक्टर कितना है फोर तो फोर से मल्टीप्लाई कर दिया को फोर से मल्टीप्लाई कर दिया थ्री पॉइंट टू अप्रोक्मेट कर दिया थ्री इसका एवरेज है तो सी तो लिखने की जरूरत है आंसर हो गया हमारा 16, तो ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं डेजिग्नेशन ऑफ हाई एलो स्टील तो ये बिल्कुल बस इसमें अंतर ये है ये चौथा केस हो गया हमारा अभी तक हमने कौन कौन से स्टील के कौन कौन से केस देख लिए प्रिंट कार्बन स्टील फ्री कटिंग स्टील तीसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा एंड द फोर्थ केस इज़ हाई एलो स्टील तो हाई एल स्टील में बस कितना अंतर है यहाँ पर एक्स लगा देते हैं एलोए स्टील की ही तरह रहता है बस इसमें कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं होता है क्योंकि ये हाई एल स्टील है यानी जो भी एलोइंग alloy, एलिमेंट हम मिला रहे हैं बहुत ही हाई क्वांटिटी में मिला रहे हैं बहुत ही हाई क्वांटिटी में हम मिला रहे हैं है ना तो यहाँ पर बस एक्स अगर आ गया इसका मतलब ये हाई एलो स्टील है तो इसको हम इंटरप्रिटेट करने के लिए हम बस कुछ नहीं करेंगे कार्बन का तो वही रहेगा सी ये कार्बन का तो वही रहेगा पॉइंट वन फाइव परसेंट और अगर सी, सी आर के अगर ट्वेंटी फाइव है तो ये ट्वेंटी फाइव परसेंट क्रोमियम निकिल का अगर बारह है तो ये बारह परसेंट कोई भी मल्टीप्लाइन फैक्टर यहाँ पर एलोइंग एलिमेंट के लिए नहीं रहेगा कार्बन का तो वही रहेगा कार्बन का हिसाब किताब वही रहेगा हम हंड्रेड से डिवाइड करेंगे बट यहाँ किसी से भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है वो जो है वन से ही डिवाइड कर लेंगे ऐसा मान लो आप तो जो लिखा हुआ है वही हमारी परसेंटेज हो गई तो ये हो गया हमारा पॉइंट वन फाइव परसेंट कार्बन ट्वेंटी हो गया बारह परसेंट इसका रिवर्स अगर हमें करना है इस का, ठीक uh, है तो कार्बन की परसेंटेज पॉइंट वन फाइव से पॉइंट टू फाइव यानी एवरेज कितनी हो गई पॉइंट टू परसेंट कार्बन सिलिकॉन और मैगनीस को यहाँ भी नेगलेक्ट कर दिया बचा क्या हमारा निकिल और क्रोमियम निकिल एंड क्रोमियम निकिल एंड क्रोमियम हाँ ठीक है तो 1.5 से 2.5 परसेंट है निकिल तो ये हो गया 2 परसेंट क्रोमियम हो गया आ, 16 टू 20 यानी 18 परसेंट इसका एवरेज हो गया 18 और ये हो गया 2, ठीक है तो क्रोमियम और निकिल में बस ये है आ, कि निखिल जो आ, की ऑर्डर में क्रोमियम पहले आता है निकल वाद में आता है ठीक है तो निकल यहां पर लेके नहीं जाना है क्रोमियम यहाँ पर लेके नहीं जाना है तो इसको भी याद करना पड़ेगा तो बिकम ठीक है अभी आज के लिए इतना ही एक टॉपिक इसमें और है सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल ये भी कभी कभी दो दो नंबर में पूछ लिया जाता है तो कोई भी आपने मटेरियल देख लिया आपने इतने स्टील देख लिया स्टील के चार तरीके के स्टील देख लिया कास्टर्न देख लिया तो किसी भी स्ट्रक्चर के लिए किसी भी डिजाइन के लिए एलिमेंट के लिए किसी भी मशीन डिजाइन के लिए हम मटीरियल uh, का सिलेक्शन किस किस बेसिस पे लेते हैं कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है उसकी कॉस्ट क्या है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन क्या है यानी आसानी से मैन्युफैक्चरिंग हो पा रही है यानी कास्टेबिलिटी है मशीनेबिलिटी है अवेलिबिलिटी है इन सब बातों का ध्यान रख के हम उस मटीरियल का सलेक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये आप पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा सलेक्शन ऑफ मटीरियल

Uh, all the topics of the unit one uh, one is covered from my side. Okay, thank you very much.